एक और जहां गुजरात हिमाचल के नतीजों का इंतजार है तो वहीं आज से शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया। लेकिन इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ी घोषणा की, या फिर यूं कहें कि सोनिया ने अब पार्टी की कमान अपने बेटे राहुल गांधी को सौंपने का मन बना लिया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सोनिया का ये रिटायरमेंट राजनीति से नहीं बल्कि सिर्फ पार्टी अध्यक्ष पद से है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष रूप से रिटायरमेंट की बात कही है, लेकिन राजनीति से नहीं। उनका आशीर्वाद हमेशा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रहेगा। तो आज सोनिया गांधी रिटायरमेंट ले चुकी हैं और कल यानी 16 दिसंबर को राहुल की औपचारिक रूप से ताजपोशी हो जाएगी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सोनिया गांधी ने पार्टी में सबसे ज्यादा वक्त तक अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। वैसे ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि सोनिया कभी भी राजनीति में आना नहीं चाहती थी, लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद उन्होंने 1998 से पार्टी की कमान संभाली और 19 सालों तक पार्टी अध्यक्ष पद पर बनी रही। NMF न्यूज की रिपोर्ट।